पास्ता बनाएंगे आज घर पर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, कि आप जिसको भी खिला देंगे ना बस आपकी तारीफ करने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले पास्ता बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच ऑयल और मिला लेंगे। पास्ता को रख देंगे अभी साइड में। अब बनाएंगे पास्ता के लिए सॉस। सबसे पहले बनाएंगे हम रेड सॉस। पैन में मैंने लगभग 2 कप पानी गर्म कर लिया है। ऊपर वाला पार्ट है इसको कट करके अलग करेंगे और टमाटर के बैक साइड में भी सॉस बनाते हुए कट करेंगे और ये गर्म पानी में डाल देंगे। टमाटरों को ज़्यादा प्याज को भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का शिमला मिर्च कटा हुआ और इसे सॉटे करेंगे लगभग आधा से 1 मिनट तक केवल। मैंने केवल शिमला मिर्च डाला है। आप इसमें अपनी पसंद की और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेड पेपर, येलो पेपर और स्वीट कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं। आधा मिनट के बाद इसमें डाल देंगे इसे हुए टमाटर और मिला लेंगे अच्छे से।
अभी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो पास्ता है वो ज़्यादा क्रीमी पसंद है या फिर थोड़ा सूखा सूखा पसंद है। अगर ज़्यादा क्रीमी पसंद है तो व्हाइट सॉस आप थोड़ी पतली बनाएंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसे। सॉस को केवल मिलाना है, अब हमें पकाना नहीं है क्योंकि सॉस ऑलरेडी से पकी हुई है। सॉस बनकर बिल्कुल